नमस्कार, मैं हूं अजय सोनी और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ तक। पूरे देश की निगाहें टिकी हुई थी जो भाजपा ने एक टारगेट सेट किया था 400 पार का, लेकिन हालांकि वो 300 पार तक पहुंचना मुश्किल दिख रहा है। और बात करें छत्तीसगढ़ में, तो बीजेपी ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहा था कि छत्तीसगढ़ गेम में हम 11 की 11 सीटें जीतने वाले हैं, और जैसा परिणाम दिख रहा है, हो सकता है कि जो टारगेट था छत्तीसगढ़ का शायद पूरा हो पाए। इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, जो कि विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनसे बात करते हैं। सर, एक तो सर आपकी मुस्कुराहट हमेशा अच्छी रखती है, उसको देखकर एक बड़ा पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। छत्तीसगढ़ का पहली बात कर लेते, क्योंकि जिस तरह से भाजपा ने शुरुआत से कहा था कि इस बार सिर्फ 11 सीट जीतना ही बच गया था, 10 तक तो पहुंच गए थे, तो उस पर क्या कहेंगे? नहीं, उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक के जो रुझान आए हैं 11 में 10 सीटों पे, तो स्पष्ट रूप से बढ़त दिख रहा है। कोरबा सीट पे थोड़ा आगे पीछे चल रहा था, और मुझे लगता है कि जब अभी 8 चरण के मतदान हुए हैं, अंतिम परिणाम आते आते कोरबा में भी भारतीय जनता पार्टी जीत के आएगी, यानी इस बार हम 11 में 11 लोकसभा सीट छत्तीसगढ़ को जीतेंगे। सर, अब सवाल उठ रही सर कि जो 400 का टारगेट भाजपा ने सेट किया था और ये बातें आई कि 400 सीट जाएंगी, बीजेपी कहाँ पे चूक हुई, कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाने में बीजेपी लगता है कि चूक गई और ये आंकड़ा नहीं छू पाया? रणनीति का विषय अलग अलग राज्यों के अलग अलग कारण से होता है, और लगातार 10 साल से हम सरकार में हैं, अलग अलग राज्यों में सरकार चल रही है, कहीं ना कहीं स्थानीय कुछ विषय आ जाते हैं। पर उसके बाद भी मैं ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी 272 सीट अकेले में जीतेगी और 325 के आंकड़े NDA पार करेगा। ठीक है, हम 400 के आंकड़े पार नहीं कर पाए, मगर भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाएगी, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। यूपी को लेकर कहा जाता था, और निश्चित रूप से राम मंदिर का मामला पूरे देश में चल रहा था, कि राम मंदिर एक बड़ा उपलब्धि थी और इसको लेकर सीटें बढ़ेंगी। सर, उत्तर प्रदेश में क्या लगता है कि इसका असर नहीं हो पाया, क्योंकि सीटें वहीं से कम होगी जहां से सबसे ज्यादा उम्मीदें थी? अभी तक के रुझान से लगता है कि कहीं कहीं पीछे हैं, पर मार्जिन बहुत कम है। अंतिम परिणाम आते तक उत्तर प्रदेश में भी रिजल्ट में थोड़ा परिवर्तन होगा। आपके साथ CM थे शिवराज सिंह, 4 लाख के 6 लाख से ऊपर जा रहे, बातचीत वगैरह हुई? शिवराज जी को बधाई कि कीर्तिमान स्थापित किया है और जन नेता हैं, मध्य प्रदेश में पूरे 29 के 29 सीट जीत रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को बधाई और पूरी वहाँ की टीम को बधाई। राजनांदगांव को लेकर किस तरह के उत्साह है सर? सबकी नजर थी कि दो पूर्व मुख्यमंत्री के बीच में बैटल चल रहा था और अंततः कई बार भूपेश बघेल आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे थे, उस दौर कैसा लग रहा था आपको? नहीं, राजनांदगांव की जनता पे मुझे भरोसा है। मैं तो प्रारंभिक दिन जानता हूँ, जब मैं मोतीलाल वोरा जी के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री दुर्ग से आए थे, चुनाव लड़ा और राजनांदगांव ने मुझे वहां से आगे बढ़ाया था, जिताया था। अब ये पूर्व मुख्यमंत्री फिर दुर्ग से आए हैं, तो निश्चित रूप से राजनांदगांव की जनता बाहर से आए हुए प्रत्याशी को बाहर भेजती। जैसा आपने कहा कि बीजेपी की सरकार अपने दम पे बनने जाएगी और 272 का आंकड़ा बीजेपी अकेले छुएगी, और जिस तरह से परिणाम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में, अगर 11-0 होता है, 11 सांसद यहाँ से जीत जाते हैं, तो क्या लगता है कि छत्तीसगढ़ को इस बार पूर्ण कैबिनेट मंत्री मिलने जाएगा या 1 से 2 हो जाएंगे? इस संबंध में भी आप पहल करेंगे दिल्ली में कि सर इस बार छत्तीसगढ़ को जो भूमिका उसमें थोड़ी ज्यादा सहभागिता दिया जाए? ये प्रधानमंत्री जी के सोच पर रहता है, उनका निर्णय पूरे देश को देख होता है। निश्चित रूप से बड़ी सफलता मिली है और छत्तीसगढ़ का सम्मान बढ़ेगा। इसके साथ ही साथ मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना NDA ने अपने जनाधार का विस्तार किया है। न केवल हम उन राज्यों में जीते हैं जहाँ हमारी सफलता मिली है, बल्कि नए राज्यों में प्रवेश किए हैं। साउथ में भी, उड़ीसा में हम गए और उड़ीसा में सरकार बनाए, लोकसभा की अधिकांश सीट हम जीते। उसके साथ साथ आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के साथ सरकार बना, अरुणाचल में सरकार बना रहे, दक्षिण में प्रवेश हुआ है। तो ये फायदा है कि हमारा विस्तार अब उत्तर से पूर्व, उत्तर पश्चिम से दक्षिण की दिशा में बहुत तेजी से हो रहा है, और ये बहुत अच्छा संकेत। धन्यवाद डॉक्टर साहब थे, और इन्होंने कहा निश्चित रूप से जो उन राज्यों में बीजेपी जहां खाता तक नहीं खोल पाती थी, उन राज्यों में भी बीजेपी का जो प्रदर्शन है वो बेहतर हुआ है, और छत्तीसगढ़ के संबंध में भी कहा कि निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जो भूमिका है वो केंद्र में, यहां ये पहले की अपेक्षा
ज्यादा मिलने की संभावना है। सहयोगी साहिल के साथ अजय सोनी, रायपुर छत्तीसगढ़ तक।